दोस्तों, आज मैं आपके साथ इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपको इसे ज़रूर बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस काढ़े को कैसे बनाया जाता है। काढ़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर मुलेठी ली है, ये तेज़पत्ता, यहाँ हमने 3 छोटी इलायची ली है, 6 फूल लौंग, दालचीनी और ये कुछ दाने काली मिर्च के हमने लिए हैं। यहाँ हमने अदरक लिया हुआ है और ये 12 से 15 पीस तुलसी की पत्तियाँ हैं। अगर आप अदरक नहीं डालना चाहते हैं तो आप इनकी जगह पर सौंठ भी ले सकते हैं। अब हम इन सारे मसाले को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और अदरक और तुलसी की पत्ती को भी हम इस जार में डाल देंगे और हल्का सा इनको क्रश कर लेंगे। मसाले यहाँ पर क्रश हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक भगोने में 4 कप पानी लेंगे और इस पानी को हम बॉयल होने देंगे। पानी यहाँ पर बॉयल हो रहे हैं तो अब हमने जो मसाले को क्रश किया था उन मसाले को हम इसमें डाल देंगे। क्रश करके डालने से मसाले का पूरा फ्लेवर पानी में आ जाता है, इसलिए हमने इनको क्रश कर लिया है। और यहीं पर अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे और इनको ढककर पकाएंगे। काढ़ा यहाँ पर अब पक रहा है तो अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा हल्दी इसमें डाल देंगे। हल्दी डालने से जिस किसी को भी खांसी आती है उसके लिए ये हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब हम इन्हें वापस से ढककर पकाएंगे। काढ़ा पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इन्हें छान लेंगे। अगर आप गुड़ नहीं पसंद करते हैं तो आप इनकी जगह पर शहद भी डाल सकते हैं। और लीजिए, हमारा इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा यहाँ पर तैयार हो गया है। इस कोरोना के टाइम में आप इन काढ़ा को ज़रूर पीजिए क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। करते हैं टिप्स की। दोस्तों, इस समय हर तरफ कोरोना का माहौल है जिसकी वजह से हम सभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसमें हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, जिसमें पहली बात है धूम्रपान बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको इसे छोड़ना होगा, क्योंकि धूम्रपान करने से हमारे फेफड़े पर, हमारे श्वसन प्रणाली पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपकी ये आदत आसानी से नहीं छूट सकती है तो आपको अपनों का ख्याल करके इसे छोड़ना होगा। दूसरी चीज है दोस्तों, आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। इस समय अगर आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अच्छी नींद लीजिए। तीसरी टिप है दोस्तों, टेंशन ना लेना। अगर आप टेंशन लेते हैं तो भी आप अपने इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, इसलिए इस समय आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप पौष्टिक भोजन करके, व्यायाम करके और खुश रहकर अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।